साथियों, अभी बहुत दिनों से जो अनधिकृत बस्तियों की बात चल रही है और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि 917 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जा रहा है, अभी हम चाहते हैं कि वो सर्कुलर जो नोटिफिकेशन जो ऑर्डर निकला है उसकी प्रति हम आपको उपलब्ध कराएं और उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि गवर्नमेंट ने किस तरह से पूरे एपिसोड में सरासर झूठ बोला है। झूठ का अर्थ ये है कि हमारी ये मांग है, क्योंकि 744 कॉलोनी को पहले छोड़ा गया, पहले अनाउंस किया गया 917 की जगह फिर बात आई 895, तो जो लेफ्ट आउट कॉलोनीज है वो है टोटल 744 और एक और लेफ्ट आउट कॉलोनीज का पूरा एक चंक है वो है 583, यानी कि जिन 895 कॉलोनीज की बात की गई वास्तविकता में जो नोटिफिकेशन है जिससे आधा अधूरा काम भी पूरा नहीं होता वो सिर्फ 312 है और अपने ही ऑर्डर में सरकार ने साफ लिखा है कि 583 अभी हम उनको ऑर्डर नहीं निकाल रहे। तो हम चाहते हैं एक बार आप वो कॉपी ले लें तो पहले जो फैक्ट है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाए और उसके बाद हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन है इस सारे मामले पर वो हम बात कर लेंगे। ये जो ऑर्डर है ये 4 सितंबर 2012 को इशू हुआ है, ये वो ऑर्डर की कॉपी है, ये वो ऑर्डर की कॉपी है। इसमें एक ये गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का जो 6 जून 2012 को इन्होंने अमेंडमेंट निकाला था। 24 मार्च 2008 का जो गजट नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूडी मिनिस्ट्री का कॉलोनीज को नियमित करने का, उसमें एक अमेंडमेंट किया इन्होंने 6 जून को। वो अमेंडमेंट ये था, गवर्नमेंट को पता था कि 583 कॉलोनीज को हम नियमित नहीं करने जा रहे हैं किसी भी रूप में। मैं आपके सामने पहले 6 जून 2012 के नोटिफिकेशन के शब्द पढ़ रहा हूँ। खंड 5.4 राष्ट्रीय राजधानी, अगर आपके पास ये आ गया गजट नोटिफिकेशन की कॉपी, इसमें पेज दूसरे पेज पर बैक साइड पर 5.4 इसमें लिखते हैं लेआउट प्लान पर सीमाएं निर्धारित करने के बाद जैसा कि पैरा 5.3 में दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लेआउट प्लानों को स्थानीय निकाय को भेजेगी। एक तो ये पक्ष हो गया। अब ये जिस पर हमने बातचीत करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई, सार्वजनिक भूमि यानी सरकारी भूमि पर बनी हुई उन कॉलोनियों के संबंध में भू स्वामी एजेंसी की ओर से भूमि की लागत वसूलने के बाद निर्धारित की गई सीमाओं के अनुसार कॉलोनी को नियमित करने के आदेश जारी करेगी। यानी कि कॉस्ट ऑफ लैंड रिकवरी के बाद उसको उसका नोटिफिकेशन होगा, आज नहीं हो रहा। अब जो नोटिफिकेशन निकला है इसके अकॉर्डिंग उसमें इन्होंने इन कॉलोनियों को दो हिस्सों में बांट दिया, अनेक्चर 1 अनेक्चर 2, और जो डायरेक्शन इसमें लिखी हुई थी 5.4 में वही डायरेक्शन 583 कॉलोनीज के लिए इसमें रिपीट कर दी। यानी कि ये कहा कि इनका नोटिफिकेशन कब होगा, जब इन कॉलोनियों के और पैसे किससे, हर प्रॉपर्टी ओनर से, लैंड लॉर्ड से, ज़मीन के मालिक से। यानी कि अगर एक कॉलोनी में 10,000 प्लॉट है तो 10,000 नंबर का प्लॉट भी जब तक पैसा नहीं दे देगा सरकार को, करोड़ यानी कि एक एक कॉलोनी से जब तक 50-50, 100-100
करोड़ रुपया सरकार के पास नहीं आ जाएगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ये मैं आपको इसमें भी पढ़ के सुना देता हूँ। अनेक्सर वन जिसमें 312 कॉलोनी है, अनेक्सर वन कॉलोनीज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि 312 के लिए लिखते हैं कि जिस दिन ये ऑर्डर निकल रहा है उस दिन से वो नोटिफाई की जा रही है। अब लिखते हैं बाकी 583 कॉलोनी के बारे में। अनेक्सर टू है गवर्नमेंट लैंड पर जो 583 कॉलोनीज है। अनेक्सर टू कॉलोनीज जिनका नंबर इसमें 583 लिखा गया है, अनेक्सर टू के बारे में जो डिटेल दी गई है, इसमें नीचे जो पॉइंट नंबर टू है यानी कि इस पेज का आखिरी तीन लाइनें वो मैं पढ़ रहा हूँ। टू अनेक्सर टू कॉलोनीज फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ पब्लिक लैंड बाई GNCTD ऑन बिहाफ ऑफ द लैंड ओइंग एजेंसी टू बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि इन 583 कॉलोनीज का नोटिफिकेशन एक साथ नहीं होगा। ये कहता है इनका जैसे पैसा आता जाएगा रिकवर हो जाएगा एक कॉलोनी का, उसके बाद उस कॉलोनी का नोटिफिकेशन, और ये टाइम टू टाइम ऐसा होगा। अर्थात आपने सिर्फ 6 जून के नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसकी आपने इतनी वाहवाही लूटने की कोशिश की, प्रचार किया, उसके बारे में आपने अपने नोटिफिकेशन में सिर्फ 6 जून के नोटिफिकेशन की शब्दावली को उतार दिया। उसके अलावा 583 और 744 इन कॉलोनीज को आपने पूरी तरह से अपने पूरे प्रोसेस से आज की तारीख में नकारा हुआ है, और जितने चार्जेस एक एक प्लॉट ऑनर से लिए जा रहे हैं अगर उसको टोटल को कैलकुलेट करोगे आप तो वो 100 गज के प्लॉट पर लगभग 8 से 10 लाख रुपए बैठता है। मैं चाहूँगा विजय जी इस बारे में जो चार्जेस की बात है उस पर विजय जी बताएंगे और आगे बात बढ़ाएंगे।